कल हम लोगों ने देखा रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन के डिफरेंट मोड्स। आज रेप्लिकेशन में एरर्स से बारे बात करते हैं। आज जो हम बात करेंगे मैकेनिज्म और स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस की बात करेंगे, क्योंकि इंड्यूस्ड म्यूटेशन का हमने मैकेनिज्म पढ़ रखा था, ठीक है। उसी तरीके से स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस भी होते हैं। एक मैकेनिज्म है, उसको हम कहते हैं डीप यूरिनेशन। अगर आपको याद हो डीप यूरिनेशन करने वाला एक आपने मेथड पढ़ा होगा, कोई मुझे बता सकता है डीप यूरिनेशन इंड्यूस्ड म्यूटेशन में किस तरीके से किया था आपने? डीप यूरिनेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ प्यूरिन बेस। कोई बता सकता है इंड्यूस्ड म्यूटेशन में किस मैकेनिज्म में आपने डीप यूरिनेशन के बारे में पढ़ा था? पहले तो प्यूरिन बेस को याद करो, याद है एथलाटॉक्सिन B1। दूसरा है डीएमिनेशन। डीएमिनेशन इंड्यूस्ड म्यूटेशन में कहाँ पढ़ा है? नाइट्रस ऑक्साइड। डीएमिनेशन होगा किसका किसका? पहला तो साइटोसिन का होगा। अच्छा, साइटोसिन का अगर डीएमिनेशन होगा तो बन जाएगा यूरेसिल। दूसरा है एक मिथाइल साइटोसिन, इससे बनता है थायमीन। तीसरा है एडेनिन और इससे बनता है हाइपोजेथिन। नाउ ध्यान देने वाली बात होगी कि यूरेसिल जो है वह डीएनए में नहीं पाया जाता है, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड एंड रिमूव्ड बाय डीएनए रिपेयर सिस्टम। क्योंकि यूरेसिल क्या है, एक अनयूजुअल बेस है डीएनए के लिए। थायमिन क्या है, ये तो यूजुअल बेस है। और अगर यह यूजुअल बेस है तो क्या रिपेयर सिस्टम इसको पहचानेगा और रिमूव करेगा? और आपके मन में सवाल आएगा कि मिथाइल साइटोसिन पाया कहाँ जाता है भाई? डीएनए में तो साइटोसिन तो हमने नाम सुना हुआ है, मिथाइल साइटोसिन कहाँ पाया जाता है? तो मैंने बताया था, भूल गए होंगे आप लोग, मैंने बताया था कि मिथाइलेशन ऑफ दो बेसेज होते हैं, एक होता है एडेनिन का और एक होता है साइटोसिन का। साइटोसिन का जो मिथाइलेशन होता है वो कहाँ होता है? यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन के लिए जरूरी होता है। कहाँ पर? तो CpG आइलैंड्स में, ठीक है। भूल गए होगे, याद दिला दे रहा हूँ। अच्छा, हाइपोजेंथीन भी अनयूजुअल बेस है तो ये भी रिमूव होगा, तो यहाँ पर भी हमें रिपेयर सिस्टम के बारे में बात करनी होगी। देन तीसरा केस होगा जिससे कि स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होता है, उसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव डैमेज। अब ये ऑक्सीडेटिव डैमेज का मतलब क्या हुआ? डैमेज ड्यू टू रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, इसी को हम लोग कहते हैं रॉस, ठीक है। और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज में क्या क्या इंक्लूड होता है? तो एक होता है ऑक्साइड आयन, या आप कह सकते हो सुपर ऑक्साइड आयन, एक होता है H2O2 और एक होता है हाइड्रोक्सिल रेडिकल, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होते हैं। इन रॉस के कारण होगा क्या? तो रॉस जो होता है डबल स्टैंडर्ड ब्रेक क्रिएट करता है। अगर ब्रेक क्रिएशन हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक हुआ, और अगर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसका मतलब क्या होगा? रेप्लिकेशन मशीनरी का ब्लॉकेज होगा, ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी का ब्लॉकेज होगा। अगर यह ब्लॉक है तो इस ब्लॉक को आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, तो इसके लिए आएगा रिपेयर सिस्टम। और इस रिपेयर सिस्टम को खास बात जो होगी ना, वो होगी एरर प्रोन। यह रिपेयर सिस्टम एरर प्रोन होगा, और अगर यह एरर प्रोन हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि म्यूटेशन होगा। हमें इस एरर प्रोन वाले का भी कॉन्टेक्स्ट देखना होगा। रिपेयर सिस्टम का क्या है, मैंने बताया ना, जैसे कि म्यूटेशन होता किसकी वजह से है? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की वजह से।
सो देखो, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जनरेट कौन करेगा? द सेल्स आर एक्सपोज टू लॉट्स ऑफ रेडिएशन. याद है मैंने आपको पढ़ाया था कि एक तो स्पॉन्टेनियसली ये रॉस जनरेट होता है. ये रॉस क्यों जनरेट होता है? ड्यू टू हाई मेटाबॉलिक रेट. ये तो इसका नेचुरल रीजन हो गया. इंड्यूस्ड रीजन इसका क्या होगा? सो मैंने आपको बताया था रेडिएशंस दो तरीके की होती हैं, अगर याद हो तो. जहां तक मुझे पता है आप लोग भूल तो गए ही होंगे, काफी होनहार हो. सो एक रेडिएशन होती है जिसको हम लोग कहते हैं आयोनाइजिंग, और एक होती है नॉन आयोनाइजिंग. नाउ आयोनाइजिंग रेडिएशन का एग्जांपल क्या क्या है? गामा रे एक्सरे, गामा रेज. नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का एग्जांपल क्या था? यूवी रे. अब ध्यान दीजिएगा, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस ये रॉस जनरेशन करते हैं, और रॉस जनरेशन का जो इफेक्ट होता है वो ये होता है, ये किसको मॉडिफाई करेंगे रॉस? सो इसका इफेक्ट होता है गुआनिन इन डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू 8-ऑक्सो हाइड्रो. अब इसको 8-ऑक्सो-7-हाइड्रो गुआनिन को, पूरा नाम तो आप याद नहीं कर पाओगे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सो जी, या फिर सिंपली कहते हैं जीओ. ठीक है, और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो क्या है? रॉस जनरेशन. रॉस जनरेशन के रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है? आयोनाइजिंग रेडिएशन. अच्छा, इस ऑक्सो जी की खास बात क्या होगी? इतना इंपॉर्टेंट ये ऑक्सो जी क्यों हो गया? ये ऑक्सो जी, इट मिसपेयर्स विद एडेनिन. बताओ गुआनिन किससे पेयर करता है? साइटोसिन से. ठीक है, और ऑक्सो जी किससे पेयर करेगा? एडेनिन से. तो इसका इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट वुड बी GC2 TA चेंज, और इस चेंज को क्या कहते हैं? ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन. G2 T हुआ चेंज. ठीक है, यानी कैसा चेंज हुआ होगा? एक बेस पेयर था GC बेस पेयर, रॉस के कारण ये जो G है ये G ऑक्सो में कन्वर्ट हो गया. अब ये DNA अगर रिप्लिकेट होगा तो क्या होगा? जीओ के सामने आएगा एडेनिन, ओ पेयर्स विद एडेनिन. ये डीएनए फर्दर रेप्लिकेट होता है तो एडेनिन के सामने जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो क्या होगा? उस पर टी आएगा. तो हम स्टार्ट किए थे जी से, और क्या आ गया? टीए बेस पेयर. जीसी से टीए बेस पेयर, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्जन. यानी आयनाइजिंग रेडिएशन कौन सा चेंज करेंगे? ट्रांसवर्जन म्यूटेशन. ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट द यूवी रेज? यूवी रेज के बारे में क्या पढ़ा था आपने? मेरे ख्याल से याद होगा यूवी रेज ये क्या करते हैं? डायमर बना देते हैं सर. पिरिमिडीन, पिरिमिडीन डायमर, साइक्लोडाइमर्स बनाते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं फोटो एडक्ट या फोटो प्रोडक्ट्स. और ये फोटो प्रोडक्ट्स में बेसिकली साइक्लोब्यूटेन रिंग बनता है या 6-4 बॉन्डेज होता है. ठीक है, इससे क्या क्या होगा? इससे क्या क्या चेंजेस आते हैं? एक तो ट्रांजिशन भी हो सकता है, और दूसरा ट्रांसवर्जन भी हो सकता है, तीसरा इंडल म्यूटेशन भी हो सकता है. इसलिए यूवी रेडिएशन बड़ी खतरनाक होती है. तो तीन तरीके के हो गए. अब आते हैं चौथे मैकेनिज्म पे, जिससे कि स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हो सकता है. चौथा मैकेनिज्म होता है एरर्स इन डीएनए रेप्लिकेशन.
एरर्स इन डीएनए रेप्लिकेशन, इसको कैसे हम लोग पाएंगे? इसके लिए होता है रेप्लिकेशन स्लिपेज, एक फेनोमेना है इसको हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन। ये रेप्लिकेशन स्लिपेज होगा कहाँ? एट लोसाई रिच इन रिपीट एलिमेंट्स। इन रिपीट एलिमेंट्स को हम लोग क्या क्या नाम देते हैं? माइक्रो एंड मिनी सैटेलाइट्स। सो इन रीजन में रेप्लिकेशन स्लिपेज होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इस रेप्लिकेशन स्लिपेज का इफेक्ट क्या होता है? इसका इफेक्ट होता है इंडेल म्यूटेशन, और इसके लिए कोई फॉरेन एलिमेंट की जरूरत नहीं होती है। सो ये एक मैकेनिज्म था। दूसरा मैकेनिज्म है जिसको हम लोग कहते हैं बेस मॉडिफ टॉटोमेराइजेशन। अभी हम बात कर रहे हैं इसकी, हम बात कर रहे हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की, ठीक है। और बेस टॉटोमेराइजेशन आपने पढ़ा है दो तरीके का, एमीन इमीन, एक इनोल होता है और एक होता है कीटो, कीटो टू इनोल, एक ही होता है। सो बेस टॉटोमेराइजेशन का इफेक्ट क्या होगा? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 5BU का इफेक्ट, उसका इफेक्ट होता है बेस सब्स्टिट्यूशन। और बेस सब्स्टिट्यूशन में कौन सा वाला बेस सब्स्टिट्यूशन? सो ट्रांजिशन वाला, ट्रांजिशन ली ट्रांजिशन यही होता है, ठीक है। अब इन सभी एरर्स के दौरान देखिए, कुछ एरर्स को तो हमारा रेप्लिकेशन सिस्टम ही टॉलरेट कर लेगा और उसको सही कर देगा। सो जो एरर्स को, यानी डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान जो एरर्स हैं उनको टॉलरेट करने के लिए, एरर्स ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, और इसको मिनिमाइज करने के लिए, मिनिमाइज्ड बाय, हमारे पास एक मैकेनिज्म है जिसको हम लोग कहते हैं। और इस रेप्लिकेशन फिडेलिटी के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है जिसको हम कहते हैं करेक्ट बेस पेयरिंग, कब? ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन। और आपको पता है कि ये एक्टिविटी किसकी होती है? पॉलीमराइजेशन कैटालिटिक कोर की, ठीक है। दूसरा है जिसको हम लोग कहते हैं प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग होती है ये, कौन सी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी को हम लोग क्या नाम देते हैं? 3' to 5' एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी, ठीक है। ये किसकी एक्टिविटी होती है, याद है? तो प्रोकैरियोट में तो एप्सिलॉन सब यूनिट की एक्टिविटी होती है, और यूकैरियोट में एक डिफरेंट एंजाइम ही होता है। नाउ जो करेक्ट बेस पेयरिंग में चेंज हो सके, इसका एरर रेट क्या है? इसका एरर रेट है 10^-5, यानी 100,000 में एक बेस का मिस पेयरिंग ये कर सकता है कैटालिटिक कोर। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी का एरर रेट कितना है? इसका एरर रेट भी है 10^-5। रेप्लिकेशन फिडेलिटी का क्या रेट है? रेप्लिकेशन फिडेलिटी कितनी हो गई? सो 10^-4 जो कैटालिटिक कोर का एरर रेट है, इनटू 10^-5 जो कि प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी का एरर रेट है, तो कितना हो गया? 10^-10। और ये जो फिडेलिटी है ये बहुत हाई है, वेरी हाई, ठीक है। अगर ये रेप्लिकेशन फिडेलिटी इतनी हाई है फिर भी क्यों म्यूटेशन हो जाता है? क्योंकि इसकी लिमिट है, ठीक है। दूसरी चीज है, फिर भी हमें म्यूटेशंस का रेट बहुत हाई नहीं मिलता है, क्योंकि इसको सपोर्ट कौन करता है? डीएनए रिपेयर। सो दो फोल्ड इस रेप्लिकेशन एरर को सही करने का दो फोल्ड मैकेनिज्म है। एक तो फिडेलिटी है रेप्लिकेशन सिस्टम की खुद की, और दूसरा जो रेप्लिकेशन सिस्टम से छूट गया उसको सही कर देगा डीएनए रिपेयर सिस्टम। समझ में आई बात?
इसलिए जो म्यूटेशन का रेट होता है म्यूटेशन क्वांटिटीज की बहुत ही स्लो रेट होता है. ओके अब आते हैं, अगर म्यूटेशन हो गया तो भाई रेप्लिकेशन सिस्टम के बारे में तो हमने पढ़ रखा है, अब रिपेयर सिस्टम के बारे में देखते हैं. किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई चैट में है? बायोलॉजिकल रिपेयर सिस्टम, इस बायोलॉजिकल रिपेयर सिस्टम की जरूरत क्यों है पहले तो ये समझते हैं. तो पहली तो जरूरत ये है क्योंकि स्पॉन्टेनियसली म्यूटेशंस होते हैं. म्यूटेशंस अगर स्पॉन्टेनियसली, जो कि डीएनए रेप्लिकेशन के अलावा भी होता है, तो उनको सही करना है. दूसरा, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स आर एक्सपोज्ड टू लॉट्स ऑफ म्यूटेशन, है कि नहीं? और इन दोनों के कारण एक इफेक्ट हो सकता है कि इसका इफेक्ट हो सकता है डिलीटीरियस कॉन्सिक्वेंस. डिलीटीरियस का मतलब लीथल कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है. नाउ इन डिलीटीरियस कॉन्सिक्वेंसेस को कॉम्बैट करने के लिए कॉन्सिक्वेंसेस वी हैव बायोलॉजिकल रिपेयर सिस्टम, जो कि रिपेयर सिस्टम वर्क करेंगे अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ म्यूटेशन. नेचर होगा म्यूटेशन का, उसी हिसाब से ये रिपेयर सिस्टम्स काम करेंगे. तो अगर रिपेयर सिस्टम में डीएनए डैमेज हुआ है तो डीएनए डैमेज को रिपेयर करने की कोशिश करेंगे. रिपेयर सिस्टम में अगर बेस का मॉडिफिकेशन हुआ है तो फिर बेस को मॉडिफाई करने, जो चेंज हुआ था उसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे. अगर रिपेयर सिस्टम किन्हीं दूसरे कारणों से हुआ है, मिसमैच हो गया है, टॉटोमराइजेशन वाला जैसे इफेक्ट देखा था, तो उसको सही करने की कोशिश करेंगे, ठीक है. तो इस हिसाब से अलग अलग तरीके के रिपेयर सिस्टम्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है, जिनको ब्रॉडली दो कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड कर देते हैं. एक कैटेगरी होती है जिसको हम लोग कहते हैं मिसमैच रिपेयर सिस्टम, और एक कैटेगरी होती है जिसको हम लोग कहते हैं डीएनए डैमेज रिपेयर सिस्टम. और इन्हीं के हिसाब से आपको अलग अलग नामों से इनको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है. सो पहला सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं मिसमैच रिपेयर सिस्टम. मिसमैच रिपेयर सिस्टम को समझ लेते हैं. उसके बाद मिसमैच रिपेयर सिस्टम में आपको बड़े सारे ऐसे दिखेंगे, इफेक्ट दिखेंगे. इस डीएनए डैमेज रिपेयर सिस्टम में कई सारे आपको इफेक्ट दिखेंगे. हम लोग इन सभी को कंसीडर करेंगे यहाँ पे, ठीक है. अब देखो डीएनए डैमेज में क्या क्या आप इंक्लूड करोगे. तो डीएनए डैमेज में एक तो निक्रिया यानी ए प्यूरिनिक बेस डीप्यूरिनेशन वाला जो इफेक्ट था, दूसरा बेस मॉडिफिकेशन वाला जो इफेक्ट था डीएमिनेशन वाला, इसी तरीके से एल्काइलेशन वगैरह का इफेक्ट आपने पढ़ा था, उन सभी को, फिर उसका रॉस का इफेक्ट, यूवी का इफेक्ट, ये सब इसी में आएगा. डीएनए डैमेज ही करते हैं. मिसमैच रिपेयर सिस्टम में क्या होता है कि गलती से रिप्लिकेशन के दौरान कोई रॉन्ग बेस अगर आ गया और मेरा रिपेयर सिस्टम, मेरा रिप्लिकेशन सिस्टम उसको हटा नहीं पाया, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी अपनी शो नहीं कर पाया, ठीक है, उसको कैसे रिपेयर करेगा हमारा सिस्टम, वह मिसमैच रिपेयर सिस्टम होता है. मिसमैच रिपेयर सिस्टम किसको कवर करता है? दोज मिसमैचेस दैट आर इंक्लूडेड बिकॉज ऑफ एरर इन, ठीक है, रिप्लिकेशन सिस्टम जिसको नहीं कर पाएगा या जो रिप्लिकेशन सिस्टम के एरर रिमूवल से बाईपास कर जाएंगे उनको हम लोग कहेंगे, अब जो रिपेयर सिस्टम जो इन पे काम करेगा उसको हम लोग कहेंगे मिसमैच रिपेयर सिस्टम. सो पहला हमारा जो कैटेगरी है मिसमैच रिपेयर सिस्टम, सो इसको हम लोग दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये दो सिस्टम्स में पाया जाएगा. सो ए हमारी कैटेगरी होगी
बैक्टीरियल सिस्टम, और दूसरी कैटेगरी होगी यूकैरियोटिक सिस्टम। तो पहले बैक्टीरियल सिस्टम को समझ लेते हैं, फिर इसके बाद यूकैरियोटिक सिस्टम को समझ लेंगे। बैक्टीरियल मिसमैच रिपेयर, इस सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? इनमें इंक्लूड होंगे बहुत सारे प्रोटीन्स हैं। एक प्रोटीन होगा म्यूट एस, दूसरा होगा म्यूट एल, तीसरा होगा म्यूट एच, चौथा होगा यूवीआरडी, और पांचवा होगा एक्सोन्यूक्लिएजेस। म्यूट एस का क्या काम है? म्यूट एस का काम होगा कि म्यूटेशन को पहले स्कैन करो कि डीएनए में कहीं पर म्यूटेशन हुआ है या फिर नहीं, या कोई मिसमैच रिपेयर रह गया है कि नहीं, इसका काम है स्कैनिंग का, ठीक है। दूसरा, ये जो म्यूट एच है इसका काम होता है एंडोन्यूक्लिएज, और इस एंडोन्यूक्लिएज एक्टिविटी के कारण यह निक क्रिएशन करता है। आई होप आपको निक और ब्रेक का डिफरेंस पता हो। ये जो म्यूट एल है यह म्यूट एच की एक्टिविटी को प्रमोट करता है। ये क्या है? एक्टिवेटर ऑफ, चूंकि रिपेयर सिस्टम है तो मिसमैच को हटाना पड़ेगा, हटाने के लिए डीएनए के कुछ बॉन्ड्स में हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने का काम कौन करता है? हिलकेज। तो यूवीआरडी के पास हिलकेज एक्टिविटी होती है, और हिलकेज एक्टिविटी कहाँ होगी? ये हिलकेज एक्टिविटी होती है स्पेसिफिक टू निक। अगर आपको याद हो तो मैंने जब हिलकेज पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि देखो हिलकेजेस कई तरीके के होते हैं, और हिलकेजेस पोलरिटी डिपेंडेंट भी होते हैं। उनमें से एक हिलकेज डीएनए बी है जो कि रेप्लिकेशन के दौरान यूज होता है। सिमिलरली कुछ हिलकेजेस ट्रांसक्रिप्शन के दौरान यूज होंगे। सिमिलरली कुछ हिलकेजेस रिपेयर सिस्टम में यूज होते हैं, और रिपेयर सिस्टम वाला यूवीआरडी है, ठीक है। अब ये जो एक्सोन्यूक्लिएज है ये डिपेंडेंट ऑन द साइट ऑफ निक है, इट इज डिपेंडेंट ऑन निक क्रिएटेड। अब ये साइट ऑफ निक क्रिएटेड का मतलब क्या है? अगर निक क्रिएट हुआ मिसमैच से थ्री प्राइम एंड पे, ठीक है, तो वहां पर दूसरा एक्सोन्यूक्लिएज काम करेगा। अगर निक क्रिएट हुआ मिसमैच के फाइव प्राइम एंड पे तो उसके लिए दूसरा एक्सोन्यूक्लिएज काम करेगा। तो पहला है इफ निक क्रिएटेड फाइव प्राइम एंड ऑफ मिसमैच तो उसके लिए एक्सोन्यूक्लिएज कोई होगा, और इफ निक क्रिएटेड एट थ्री प्राइम एंड ऑफ, अगर 5 प्राइम एंड ऑफ मिसमैच पे कोई निक क्रिएट होता है तो उसके लिए जो एक्सोन्यूक्लिएज है उसका नाम है एक्सो 7, या फिर इसी को नाम देते हैं रेक जे, ठीक है, दोनों में से कोई एक नाम बोला। अगर 3 प्राइम एंड पे कोई निक क्रिएट होता है उस निक के कारण डीएनए को हटाने वाला काम जो करेगा वो होगा एक्सो 1 है, तो ये एक्सोन्यूक्लिएज ना, ये है तो एक्सोन्यूक्लिएज, तो डीएनए को किसी एक फ्री एंड से हटाने का काम करेगा, डिग्रेड करने का काम करेगा। तो डिग्रेडेशन किस डायरेक्शन में कॉज करेगा? तो इट कॉजेज डीएनए डिग्रेडेशन इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो ये कौन से डायरेक्शन में डीएनए डिग्रेडेशन कॉज करेगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। अब जरा इस बात को हम लोग समझ लेते हैं कि यह लॉजिक काम कैसे कर रहा है, ठीक है। तो समझते हैं, पहले तो 3 प्राइम और 5 प्राइम एंड को समझ लेते हैं कि मिसमैच के 3 प्राइम एंड पे या 5 प्राइम एंड पे अगर निक क्रिएट हुआ तो। पहला केस, निक क्रिएटेड एट 5 प्राइम एंड ऑफ
सो यू हैव अ पेरेंटल डीएनए लेट्स से, और पेरेंटल डीएनए पे जो सीक्वेंस था वो ए था, जो नया डीएनए स्ट्रैंड आया उस डीएनए स्ट्रैंड पे ए के सामने टी होना चाहिए था लेकिन गलती से सी आ गया. सो ये जो है ये मिसमैच साइट है. सो दिस इज मिसमैच साइट. अब ध्यान दीजिएगा, डीएनए सिंथेसिस हुई 5' to 3' एंड की तरफ. सो ये एंड है 3' एंड और ये एंड है 5' एंड. कौन से स्ट्रैंड का? जो न्यूली सिंथेसाइज निक्रिएशन होता है सी. तो अब आप मुझे बताइए, ये है साइट ऑफ, तो मुझे बताइए कि ये जो साइट है निक की साइट वो मिसमैच की साइट के किस तरफ है, 5' की तरफ है या 3' की तरफ है? 5' की तरफ सर. 5' की तरफ है. अच्छा, इसको कौन काटेगा, कौन हटाएगा? इस साइट पर यहाँ पर जो एक्सो निकले जब काम करेगा ना, ये हो गया 5' एंड, ये हो गया 3' एंड. सो अब जो एक्सो निकले यहाँ पे काम करेगा वो 5' से 3' की डायरेक्शन में ही तो कट करेगा. सो इस साइट पर कौन काम करेगा? एक्सो 7 और रेक जे. ठीक है, बस समझ में आ गई. केस 2 है, इसमें निक क्रिएटेड एट 3' एंड ऑफ पेरेंटल डीएनए, इट हैज ए डॉटर डीएनए एंड इट हैज सी एज द मिसमैच. निक क्रिएटेड. अब बताइए ये जो निक साइट है ये किधर है? 3' एंड ऑफ मिसमैच है. सो अब यहां पर कौन काम करेगा? यहां पर काम करेगा हमारा एक्सो वन यहां पे काम करेगा. समझ में? और ये डीएनए कैसे डिग्रेड करेगा? सो 3' to 5' एंड की तरफ. अब जरा हम लोग ये समझते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है. ठीक है, मैकेनिज्म इसका समझ लेंगे तो आपको इन एक्टिविटीज का जो मैंने बताया है इसका रेलिवेंस समझ में आ जाएगा. सो देखिए, इसका एक्टिविटी का जो रेलिवेंस होगा वो क्या होगा? मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म. कंपोनेंट्स आपको पता, यू हैव अ डीएनए मॉलिक्यूल जिसमें ये पेरेंटल डीएनए है. पेरेंटल डीएनए में ए रेसिड्यू, इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पे, न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड पे सी आ जाता है. तो ये क्या है? मिसमैच क्रिएटेड. हमारा रिपेयर सिस्टम का जो एंजाइम है वो एंजाइम है म्यूट एस. ये क्या करता है? कैनिंग ऑफ. और कौन सा एंजाइम इस काम को करेगा? यानी ये बबल इसलिए बनाया क्योंकि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा नहीं, तो ये अनपेयर्ड टाइप के होंगे. हमारा जो म्यूट एस एंजाइम है यह एक डाइमेरिक एंजाइम है. स्कैन्स टू द डीएनए यूजिंग एटीपी, तो इसके लिए एटीपी बाउंड होना चाहिए इसके साथ में. एटीपी डिराइव्ड मोटर है ये. इट स्कैन्स यूजिंग एटीपी एंड रीचेज द साइट ऑफ म्यूटेशन या मिसमैच, और इससे जुड़े हुए हैं एटीपी मॉलिक्यूल्स. अगर एक एटीपी इसमें से हाइड्रोलाइज हो जाए तो किसी दूसरे के लिए यह रिक्रूटमेंट का सिग्नल हो सकता है. सो अगला स्टेप क्या होता है? हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी. सो एटीपी इन दोनों सबयूनिट में से किसी एक एटीपी का हाइड्रोलिसिस हो जाता है एडीपी में, और इससे होता क्या है? रिक्रूटमेंट ऑफ म्यूट एल एंड म्यूट एच. अब आपको पता है म्यूट एच क्या है? यह एंडोन्यूक्लियेज जो कि निक क्रिएशन करेगा. तो यह म्यूट एच या म्यूट एल कहां पे आते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है. सो मान लीजिए म्यूट एच और म्यूट एल का जो इंटरैक्शन हुआ
वो हुआ नियर द फाइव प्राइम एंड ऑफ द मिसमैच, यानी म्यूट एच और म्यूट एल कहाँ बाइंड करेगा, एक एटीपी कंज्यूम हो गया है, सो सिर्फ एक एटीपी है, म्यूट एच और म्यूट एल अलग अलग जगहों पे, मान लीजिए ये म्यूट एच और म्यूट एल रिक्रूट हुए तो ये है एल, एल के आसपास ही रिक्रूट हुआ म्यूट एच। अब म्यूट एच किस एंड की तरफ, मिसमैच के किस एंड की तरफ रिक्रूट हुआ है, फाइव प्राइम एंड की तरफ, तो ये म्यूट एच यहीं पर तो एक अपना निक क्रिएशन करेगा, ठीक है। सो निक क्रिएशन कर दिया इसने। अब ध्यान दीजिएगा, आप ये मत कहिएगा कि क्या म्यूट एच हमेशा फाइव प्राइम एंड की तरफ ही निक क्रिएट करेगा, नहीं जरूरी नहीं है, ये थ्री प्राइम एंड की तरफ भी कट करता है, इसकी मर्जी है, जहां एल बाइंड करेगा उधर ही ये कट करेगा। सो क्या होगा, निक क्रिएशन, मैं यहां लिख देता हूं, इट इज रैंडम। सो म्यूट एच जहां बाइंड करेगा वहां पर एक निक क्रिएट होगा, मैंने गड़बड़ कर दी है, सो निक क्रिएटेड एंड म्यूट एल। ध्यान दीजिएगा, मैं म्यूट एल को दोनों से इंटरेक्ट करवा रहा हूँ, जबकि म्यूट एच को सिर्फ म्यूट एल से इंटरेक्ट करवा रहा हूँ, ठीक है, कुछ ऐसा ही इनका इफेक्ट है, ठीक। आगे बढ़े तो भाई, आगे बढ़े क्या? यस यस सर, यस सर। अब क्या होगा कि म्यूट एल और म्यूट एच अपना काम तो कर दिए, तो इनको हटा दो, म्यूट एल रिलीज हो गया, म्यूट एच और क्या है हमारे पास, निक साइट है, ये क्या है, निक डीएनए। और बताओ निक डीएनए अगर होगा तो क्या होगा, रिक्रूटमेंट ऑफ द एक्सोन्यूक्लियस, और रिक्रूटमेंट ऑफ अगर एक्सोन्यूक्लियस होगा तो कौन सा एक्सोन्यूक्लियस आएगा, 5' एंड वाला सर, बिल्कुल सही। उसका नाम क्या है, एक्सो 7 एक्सोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस विल बी रिक्रूटेड, यही है एक्सो 7। और इसका मूवमेंट किधर होगा, इतना देखो, अब ये एक्सोन्यूक्लियस कहां तक इस डीएनए को डिग्रेड करेगा, सो ये डिग्रेड करेगा अप टू द मिसमैच साइट, सो रिमूवल ऑफ डीएनए अप टू द मिसमैच साइट, इफेक्ट क्या हुआ, एक गैप क्रिएट हो गया। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर म्यूट एस को अभी बनाया नहीं था, तो ये मत सोचिएगा कि म्यूट एस नहीं है, क्योंकि म्यूट एस ही वो प्रोटीन है जो कि एक्सोन्यूक्लियस को बताता है कि भाई कहाँ तक तुम काम करोगे, ठीक है, मिसमैच साइट गायब होगी। अब इस गैप को फिल करना होगा, ठीक है, इस गैप को फिल करना होगा, सो गैप की फिलिंग कौन करेगा, गैप फिलिंग बाय डीएनए पॉल वन एंड डीएनए, सो गैप फिलिंग कर दो। ध्यान देना, ये जो फ्रैगमेंट था इसका थ्री प्राइम ओएच होगा, वही प्राइमर का काम करेगा डीएनए पॉल वन एक्टिविटी, और ए के सामने ये क्या लाएगा, टी, मिसमैच यहां पर खत्म हो गया, ठीक है, मैकेनिज्म समझ में आया। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि यूवीआर डी कहाँ काम किया, इसका काम किया था ना, yes, काम कहाँ किया, देखिए यूवीआर डी जो था वो निक स्पेसिफिक था ना, तो एक्सोन्यूक्लियस किस डीएनए को डिग्रेड करेगा, जो सिंगल स्टैंडर्ड होगा, अभी तक तो ये कैसा है, डबल स्टैंडर्ड है, तो पहले यूवीआर डी यहाँ पर, तो रिक्रूटमेंट ऑफ यूवीआर डी एंड एक्सोन्यूक्लियस 7 होगा, यूवीआर डी इस डीएनए को जो हमारा निक डीएनए है इसको पहले सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में करता जाएगा और उसको एक्सोन्यूक्लियस डिग्रेड करता जाएगा, ठीक है।
ये इसका मैकेनिज्म है। सवाल ये है कि अगर मैंने इशू, जरा इसका देखते हैं क्या है। इसका इशू ये है कि अगर मैंने एक डीएनए को, तो ये साइट ऑफ मिसमैच तो है, लेकिन जो निक क्रिएशन होगा वो किसी भी डीएनए पे हो सकता है ना। निक क्रिएशन में एनी डीएनए स्ट्रैंड, तो सपोज जो वाइल्ड टाइप सीक्वेंस है वो है 80, म्यूटेशन के कारण ये वाइल्ड टाइप सीक्वेंस हो गया एसी में कन्वर्ट, ठीक है। सो अब जब हमारा रिपेयर सिस्टम काम करेगा, दो तरीके से काम कर सकता है, एक हो सकता है और एक हो सकता है। सो निक क्रिएटेड ऑन टल डीएनए स्ट्रैंड, और दूसरा हो सकता है निक क्रिएटेड ऑन प्यूरी सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड। अब अगर निक क्रिएटेड ऑन पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड हो तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। इफ निक क्रिएटेड ऑन पेरेंटल डीएनए स्कैनिंग हुआ, उस चीज को मैं स्किप करता जा रहा हूं, मैं डायरेक्ट निक क्रिएशन कर रहा हूं। ऑब्वियसली बात है, स्कैनिंग हुई होगी और उसके बाद निक साइट को पता लगाया गया होगा, फिर म्यूटेल और म्यूटेच का रिक्रूटमेंट हुआ होगा। नाउ ये 5 प्राइम एंड भी हो सकता है, 3 प्राइम एंड हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन क्वालिटी ऑफ द स्ट्रैंड्स। इसके बाद क्या होगा, गैप क्रिएशन। सो निक क्रिएशन, इसके बाद होगा गैप क्रिएशन यानी एक्सो एक्टिविटी, और इससे क्या होगा, ये पूरा रीजन गायब हो गया, ये बन गया गैप और फिर उसके गैप फिलिंग होगी। और गैप फिलिंग होगी तो क्या होगा, सीक्वेंस आ गया जी। आप स्टार्ट जब किए थे, देखिए वाइल्ड टाइप सीक्वेंस मैंने क्या कहा है, वाइल्ड टाइप सीक्वेंस कहा है 80। जब आपने निक क्रिएटेड ऑन पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड किया तो यहां आपको क्या चेंज मिल रहा है, 80 पेयर इज कन्वर्टेड इनटू जीसी, ठीक है। ये तो कॉन्सिक्वेंस के ना, जहां 80 था वहां पे जीसी आ गया। यस सर। तो पहले भी म्यूटेशन था, अभी भी म्यूटेशन है, और अभी भी म्यूटेंट रह गया। सो म्यूटेशन का तो रिमूवल हुआ ही नहीं। सो म्यूटेशन, और अगर म्यूटेशन अनरिजॉल्व्ड रहा तो इसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो कैसा होगा, डिलीटीरियस कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, ठीक है। केस टू, इफ निक क्रिएटेड ऑन न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए, सो यू हैड म्यूटेंट सीक्वेंस, निक क्रिएशन, अब इसके बाद एक्सो एक्टिविटी, गैप क्रिएशन, यहाँ पे गैप आ गया, और गैप फिलिंग हुई तो ए के सामने आ गया टी, ये था म्यूटेंट और ये हो गया वाइल्ड टाइप, यानी इस केस में क्या हुआ, रिपेयर हो गया, म्यूटेशन रिपेयर। सो वाइल्ड टाइप फंक्शन आपको मिलेगा, ये चीज यहाँ पे 82 80, ठीक है। और वाइल्ड टाइप फंक्शन अगर रिटेन हुआ तो ये हमारे लिए बेहतर है। सो दिस केस शुड बी प्रिफर्ड, सो दिस इज प्रिफर्ड एंड दिस शुड नॉट बी प्रिफर्ड, सो नॉट प्रिफर्ड। और सवाल ये है कि व्हाट ऑल मैकेनिजम्स और व्हाट ऑल फीचर्स द रिपेयर सिस्टम विल यूटिलाइज टू मेक श्योर that the nick is created on the newly synthesized DNA, not on the parental DNA strand. बस समझ में, तो ये discrimination होगा कैसे, कि parental DNA strand पे ही, यानी ये वाला ना हो और ये वाला ही हो, इस पर discrimination कैसे करेगा हमारा repair system? So issue आ गया, ये तो issue हमने resolve कर लिया। अब देखते हैं
कि डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो. रिपेयर सिस्टम डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पेरेंटल एंड न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड्स. ठीक है, सो दैट इज द, और इसको हम लोग कहते हैं रेगुलेशन ऑफ द मिसमैच रिपेयर सिस्टम. ठीक है. अब आप लोग सोच सकते हो कि क्या मैकेनिज्म यूज करता होगा हमारा रिपेयर सिस्टम जिससे कि यह गलती ना करने पाए. एल और एच का यूज करता हो शायद. एल और एच का यूज करता हो. जैसे जैसे वो कहाँ बाइंड करेंगे इस चीज पे रेगुलेशन लगाएंगे कुछ. हाँ हाँ, तो ये कैसे बाइंड, तो किसी भी बाइंड, जैसे बता रहा मैं कि ये वाला केस भी तो पॉसिबल हो सकता है कि एल इस पे बाइंड करे एच इस पे बाइंड करे, या फिर एल इस पे बाइंड करे एच इस पे बाइंड करे. किसी भी बाइंड कर सकता था एल और एच. रेगुलेशन इज बेस्ड ऑन, दिस रेगुलेशन इज बेस्ड ऑन मिथाइलेशन GATC सीक्वेंसेस. ठीक है. नाउ ये जो GATC सीक्वेंस है, इसको मैंने आपको बताया था. क्या बताया था? कि ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे भी पाया जाता है. फाउंड नियर एंड एट द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंस. दूसरी चीज और क्या बताया था? इट इज ऑल्सो फाउंड एट अदर साइट्स डिफरेंट फ्रॉम ओरीसी. बताया था ना. अच्छा, दूसरी चीज है कि ये जो GATC सीक्वेंस है, दे आर मिथाइलेटेड बाय, कौन इसको मिथाइलेट करता है? डैम मिथाइल ट्रांसपोरेजेस, याद है? ठीक है. नाउ अब मैं आपको इन GATC का मिथाइलेशन स्टेटस के बारे में बताता हूँ. क्या है फुल्ली मिथाइलेटेड डीएनए? इसका मतलब क्या होता है? GATC ऑन बोथ स्ट्रैंड्स आर मिथाइलेटेड, और जिसमें दोनों ही स्ट्रैंड्स पे मिथाइलेटेड होगा, ऐसे डीएनए को हम लोग क्या कहते हैं? डीएनए रेडी टू बी रेप्लिकेटेड. ठीक है. दूसरा होता है हेमी मिथाइलेटेड, और हेमी मिथाइलेटेड डीएनए का मीनिंग क्या होता है कि इसमें पेरेंटल टेम्पलेट स्ट्रैंड इज मिथाइलेटेड एंड न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड रिमेन अनमिथाइलेटेड. अच्छा, हेमी मिथाइलेटेड को हम लोग कहते हैं डीएनए विच इज रेप्लीकेटेड. ये क्या होता है? जो कि डीएनए जस्ट रेप्लीकेट हुआ है. सो डीएनए, कितनी बात आपको समझ में आ गई है? ऐसा तो होता ही होता है, जो हमें पुराना पीछे पता है, क्योंकि इसी हिसाब से हमने बताया था कि सेक ए का रेगुलेशन होता है, इसलिए री रेप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हो पाता है. नाउ हमारे पास एक एंजाइम है जो कि निक क्रिएशन करता है. निक क्रिएशन करने वाला एंजाइम कौन है? सही, निक क्रिएशन करने वाला एंजाइम कौन है? म्यूट एच. अच्छा, म्यूट एच की जो एफिनिटी होती है बहुत हाई होती है नॉन मिथाइलेटेड डीएनए स्ट्रैंड की. सो म्यूट एच हैज वेरी हाई एफिनिटी फॉर नॉन मिथाइलेटेड डीएनए. अब अगर यह नॉन मिथाइलेटेड डीएनए स्ट्रैंड के लिए एफिनिटी रखेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि यह निक किस पे क्रिएट करेगा? नॉन मिथाइलेटेड वाले पे. देयरफॉर इट क्रिएट्स स्पेसिफिकली ऑन न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड. द क्वेश्चन इज हाउ इज इट रेलिवेंट? इसका रेलिवेंस क्या है कि इसकी एफिनिटी नॉन मिथाइलेटेड के लिए ज्यादा हो, इससे रेलिवेंस क्या आया? जो मिसमैच इंट्रोड्यूस होगा ना, वो जो नया डीएनए सिंथेसिस हो रहा होगा उसी स्ट्रैंड पे आ सकता है, पेरेंट पे तो नहीं आ सकता. सो मिसमैच ड्यूरिंग रेप्लिकेशन इंट्रोड्यूस्ड ओनली ऑन द
न्यूली सिंथेसाइज डीएनए स्ट्रैंड। सो इसी डीएनए स्ट्रैंड से रिमूवल भी जरूरी है। रिमूवल फ्रॉम दिस स्ट्रैंड, जहां पे रिमूवल जरूरी होगा वहीं से रिमूवल करेगा म्यूट एच, और म्यूट एच की यह जो प्रॉपर्टी है कि उसकी है वेरी हाई एफिनिटी है नॉन मिथाइलेटेड स्ट्रैंड के लिए, तो वह हमेशा डॉटर डीएनए स्ट्रैंड पे ही बाइंड करेगा, डॉटर डीएनए स्ट्रैंड पे ही निक क्रिएट करेगा। तो डॉटर डीएनए में ही गैप क्रिएशन होगा और डॉटर डीएनए में ही निक ट्रांसलेशन होगा। सो ये तो बात हो गई बैक्टीरिया की, प्रोकैरियोट की हो गई। यूकैरियोट का भी सिस्टम कुछ इसी तरीके से है, बट यूकैरियोट में जो प्रोटीन्स हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं। सो दूसरा कर लेते हैं यूकैरियोटिक सिस्टम। अब इस यूकैरियोटिक सिस्टम के कंपोनेंट्स को समझ लो, एक्टिविटी आपको समझ में आ जाएगी। तो मैं इधर लिखता हूँ बैक्टीरियल प्रोटीन्स और इधर लिखता हूँ यूकैरियोटिक प्रोटीन्स। पहला, बैक्टीरिया का जो प्रोटीन है वो कौन है? म्यूटेस। तो यूकैरियोट में इसको कहते हैं MSH। MSH का मतलब म्यूट एस होमोलॉग, समझ में? म्यूट एस होमोलॉग। इसका भी काम क्या होगा? स्कैनिंग। दूसरा म्यूट एल, म्यूट एल था। इसका जो प्रोटीन होगा उसको कहेंगे MLH, म्यूट एल होमोलॉग। ठीक है, ध्यान देने वाली बात जो होगी कि म्यूट एच जैसा कोई प्रोटीन होमोलॉग इज नॉट फाउंड। तो सवाल ये है कि अगर म्यूट एच होमोलॉग बना ही नहीं है ही नहीं, तो निक कौन क्रिएशन करे? निक क्रिएशन कैसे हो? इसका बड़ा अच्छा मैकेनिज्म यूकैरियोट्स ने अपने अंदर इजाद कर रखा है। सो इनका जो सिस्टम होता है वो किसको पहचानता है? दे वर्क बाय रिकॉग्नाइजिंग ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। अब देखिए, ओकाजाकी फ्रैगमेंट अगर बनेगा तो निक तो होगा ही ना? यस सर। ऑलरेडी निक प्रेजेंट। दूसरी चीज, ओकाजाकी फ्रैगमेंट जिस स्ट्रैंड में प्रेजेंट होगा वही न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होगा। सो मिसमैच का इनकॉर्पोरेशन भी न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड में ही होगा, यहीं पर तो मिसमैच का इनकॉर्पोरेशन होगा। तो यूकैरियोट में सिर्फ दो ही प्रोटीन्स हैं, MSH और MLH, जो कि रिपेयर सिस्टम के पार्ट हैं। बाकी जहां मिसमैच मिल गया तो उसके बाद तो लीकेजेस हैं ही इनके पास, और इनके पास डीएनए को लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस का भी, यानी गैप, छोटा प्रोसेस, कम प्रोसेसिविटी वाला भी एंजाइम है, वो गैप फिलिंग का काम कर देंगे। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग केस मैं आपको बताता हूँ जो कि वेल डॉक्यूमेंटेड है। एक कैंसर होता है कोलन कैंसर। मेजॉरिटी ऑफ कोलन कैंसर्स में क्या पाया गया है कि या तो वो MSH माइनस है या फिर वो MLH माइनस, यानी कि या तो स्कैनिंग वाला एंजाइम म्यूटेटेड है या तो जहां पे निक क्रिएट होना है, यानी कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट के निक साइट को जो पहचानेगा उसमें म्यूटेशन है, और इसी कारण रिपेयर सिस्टम काम नहीं कर पाता है। अगर रिपेयर सिस्टम फॉल्टी होगा कि निक हटा नहीं, मिसमैच हटा नहीं, तो मिसमैच इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, और अगर रिटेन्ड रहेगा तो म्यूटेशन इंड्यूस हो जाएगा। सो ये वेल डॉक्यूमेंटेड केस है कोलन कैंसर का। मेजॉरिटी ऑफ कोलन कैंसर पेशेंट्स आर आइदर डेफिशिएंट इन MSH फंक्शन और MLH फंक्शन, एंड दैट इज व्हाई दे हैव वेरी हाई रेट ऑफ द म्यूटेशन इन अ स्पेसिफिक जीन। बात समझ में आ गई? बताओ भाई, कितने लोगों को अभी तक कहानी समझ में आ गई है? मिसमैच रिपेयर सिस्टम क्लियर है? यस सर। सर बस एक क्वेश्चन था सर, जैसे कि इस जो यूकैरियोटिक वाला सिस्टम है उसमें गैप कौन क्रिएट कर रहा है? हाँ, गैप कौन क्रिएट, मैंने बोला ना कि
बैक्टीरिया में हेलिकेजेस और एक्सोन्यूक्लिएजेस अलग अलग एंजाइम्स है, ठीक है। यूकेरियोट में कई सारे प्रोटीन्स हैं जो कि रेप्लिकेशन के दौरान आपको 10, 12, 13 पॉलीमरेजेस के बारे में बताया था, उन्हीं में से कुछ पॉलीमरेजेस हैं जो कि एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी भी रखते हैं, ठीक है। वही पॉलीमरेजेस यानी कि MSH और MLH के ही डिपेंडेंट रिपेयर सिस्टम के कुछ पॉलीमरेजेज एंजाइम्स हैं जो कि गैप क्रिएशन साथ ही साथ में गैप फिलिंग का काम करते हैं। तो वहां पर वेल डॉक्यूमेंटेड एक्सोन्यूक्लिएज का फंक्शन नहीं है, वो एक्सोन्यूक्लिएज फंक्शन इज पार्ट ऑफ ए स्पेसिफिक कोई एक डीएनए पॉलीमरेज है। जैसे मैंने आपको बताया था पॉलीमरेज नीटा के बारे में बताया होगा, आज जाकर के उस टेबल को दोबारा देखिएगा, इस नीटा के बारे में मैंने बताया होगा। ये सर बताया आपने। तो ये नीटा क्या काम करता है, ये नीटा इसके पास रिपेयर सिस्टम का ये पॉलीमरेज है। सो इसी के पास एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी और इसी के पास पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी है, समझ में आई बात? यस सर। लेकिन मेजॉरिटी जो मेजर फंक्शन ये प्रोटीन काम कब करेगा, जब ये दो प्रोटीन्स काम करेंगे। अगर यही दो प्रोटीन्स काम नहीं किए तो फिर इसका इसका फंक्शन तो बेकार ही है ना, ये कहेगा यार मेरे पास कोई सिग्नल नहीं है, ठीक है। यस सर, यस सर। अब अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है, मिसमैच रिपेयर से अगर आपको कोई सवाल मिलेगा तो आप लोग कर ले जाओगे। देखो अभी ये एक पार्ट है, अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ ये एक पार्ट आपको पढ़ाया है मैंने, वह है कि रेप्लिकेशन के दौरान अगर कोई रेप्लिकेशन मशीनरी की प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी यानी रेप्लिकेशन फिडेलिटी को भी बाईपास करके कोई एक मिसमैच अगर आ जाता है तो उसको रिपेयर करने का तरीका हमारे पास था मिसमैच रिपेयर सिस्टम, ठीक है। नाउ इसके बेसिस पे अगर आपको एक सवाल दिया जाए, ये बताओ सभी लोग इस बात को समझ रहे हो या फिर कुछ लोग केवल क्लासरूम में ऑन करके बैठे हुए हो, सुन भी नहीं रहे हो? कितने लोग ऐसे हैं जो केवल मूक दर्शक बन के बैठे हुए हैं? रोशनी जल रही हो ना? यस सर। हाँ, और दीपक? यस सर। है ना? और मानसी? यस सर। है ना, लाइव है ना आप लोग? यस सर। सोनू कहाँ है? सोनू, सोनू लगता है चले गए हैं, सोनू को किसी ने बुला लिया होगा। आशुतोष भी सुन नहीं रहे हैं केवल, क्यों आशुतोष? सो ये लोग सिर्फ क्लास अटेंड कर रहे हैं, बाकी और भी बहुत सारे दुनियादारी के काम होते हैं उनमें व्यस्त होंगे, बाद में तो पढ़ाई कर ही ली जाएगी। यस सर। हाँ, क्लासरूम में हो ना? यस सर। आशुतोष देखो गायब हो गए, तुम्हारे पड़ोसी हैं क्लासरूम के। सो अब इसी से आप लोगों की जो एक्टिविटी है वो पता चल जाती है। प्रदीप? यस सर। तो धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि, अच्छा एक बात बताओ, ग्रुप में तो यार 30-35 लोग आप लोग हो, क्लास में 20 लोग हो, तो ये 14-15 लोग कहाँ गए? कल 27-28 लोग थे, ज्यादा थे। तो आज क्या रामनवमी मना रहे हैं? तो देखो लॉस आप ही लोगों का है, मैं तो पढ़ा दूंगा, आप नहीं पढ़ोगे तो लॉस तो तुम्हारा ही है ना अल्टीमेटली, और आप लोग इस बात को समझ नहीं रहे हो। एग्जाम की डेट आपकी एक्सटेंड हो गई, इसका मतलब ये नहीं है एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम तो होगा जरूर, और एग्जाम जब होगा ना तो मेजॉरिटी ऑफ लोग सो रहे होंगे उस टाइम पर, कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो कि तब तक जिंदा रह पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे, बाकी लोग तो रेस से बाहर हो चुके होंगे। निशी आप कुछ कहना चाह रही हैं? क्या है ना कि आप लोगों को अपने आप को लाइव रखना है उस टाइम, और वो तब दिखता है कि आप कितने प्रो हो सीखने के लिए। अब जैसे आपने वीडियो जूम ऑन कर लिया,
गए थोड़ा घूम घाम के आगे, किसी का फोन आ गया, बातचीत कर रहे हो, अरे ऐसा करने से क्या फायदा? अल्टीमेटली आप पढ़ तो रहे नहीं हो, आप अपना डेटा भी खराब कर रहे हो, अपने फोन को भी हार्म कर रहे हो और अपना भी टाइम किल कर रहे हो उस टाइम पे। सो बेहतर है कि जो आपकी प्रायोरिटी है वही कर लो, बेकार में क्लासरूम ज्वाइन करने क्या मतलब है। अच्छा दूसरी चीज़ है कि किस टाइम का वेट कर रहे हो आप, क्या यह टाइम आपके लिए रुका रहेगा? एग्जाम की डेट आएगी तो फिर आप इतने रेडी हो जाओगे, लेक्चर्स को देख करके इतना समझ लोगे। एक क्लासरूम में जितनी बातें मैं डिस्कस करूंगा, जितने मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशंस बताऊंगा, वो सारे कॉम्बिनेशंस आप 2 घंटे किसी वीडियो लेक्चर को देख करके बोर हो जाओगे। क्लासरूम में एटलीस्ट आप एंगेज रहोगे। जब आप किसी वीडियो को देखोगे ना तो 10 मिनट बाद ही आपको डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, आप खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। ऐसे आपने फीस दी है, आप पहले परेशान थे कि भाई आपकी क्लासेज नहीं हो रही हैं, अब अगर मैं क्लास ले रहा हूँ तो आप खुद सिंसियर नहीं हो कि आप क्लासेज में बैठ नहीं रहे हो। और दूसरी चीज़ मैं बताऊँ कि नोट्स आपको मिलेंगे, उन नोट्स को देख करके तो आप कतई नहीं समझ पाओगे कि आखिर ये प्रोसेस है क्या। तो अगर लोगों के मन में ये है कि नोट्स तो मैं शेयर कर ही रहा हूँ से हो जाएगा, तो ऐसा होगा नहीं। एग्ज़ाम और ये मान के चलो कि जितना ज़्यादा समय आपको एग्ज़ाम में मिलेगा उतना ही ज़्यादा क्वेश्चन डीप आएगा, उतना ही ज़्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जाएगा कि स्टूडेंट ने बुक पढ़ा होगा, बहुत ही डीप स्टडी की होगी, थरो स्टडी की होगी, इसलिए क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। और ऐसे केस में सिर्फ वही लोग सरवाइव कर पाएंगे एग्जाम को जिन लोगों ने सिंसियरली पढ़ाई की होगी। पहले तो जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस चलती थी तो आपको दिन भर में 4-5 घंटे पढ़ाया जाता था, तब आपके पास एक ऑप्शन था कि आप ये कह सको कि सर हमारे पास सेल्फ स्टडी का टाइम कम मिलता है, थक जाते हैं। आज आपकी आज की डेट में आपका 2 घंटे का क्लास चलता है और ये 2 घंटे की क्लासेज भी आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट ही होंगी, क्योंकि आपको 2 घंटे स्क्रीन पे देखने की आदत नहीं है, बोर्ड पे देखने की आदत है। क्लासरूम में कुछ ना कुछ तो इधर उधर की बातें भी हो जाती थी, वह यहाँ पे मिनिमम होती है और इसमें आपका बोर होना ऑब्वियस है। लेकिन अगर 2 घंटे में भी आप नहीं सस्टेन कर पा रहे हो क्लासेज को और सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो और ये सोच के बैठे कि लॉकडाउन है तो आराम करते हैं, धीरे 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 फिर इसका देखा जाएगा कि कब पढ़ाई होती है, कब शुरू होता है। तो ये मान के चलो कि जो लोग इस दिमाग के साथ बैठे हुए, इस सोच के साथ बैठे हुए हैं, वह एग्ज़ाम से बाहर हो चुके हैं, उनके लिए एग्ज़ाम में 50 नंबर भी स्कोर करना बड़ा मुश्किल होगा। सो आप लोगों के लिए फैसिलिटी है, आप लोग इसको देखो और इससे सीखने की कोशिश करो, यही हार्ड टाइम आपको आगे के लिए तैयार करेगा। और अपने समय का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो, ना ही आपको घर से बाहर निकलना है, ना ही आपको कोई अदर एक्टिविटीज़ में एंगेज होने का यहाँ पे चांस है। आप सभी लोग मेरे ख्याल से अपने घरों में होंगे, डोंट थिंक कि कोई यहाँ पीजी में रह कर के इस समय पढ़ाई कर रहा होगा, सभी लोग अपने घरों पर चले गए होंगे। सो अगर आप अपने घर पर हैं, आपको खाने का टेंशन नहीं है और अलग अलग बेसिक एमिनिटीज़ का टेंशन नहीं है, तो आप अपने समय का सदुपयोग कीजिए और कम से कम आप अपने सेल्फ स्टडीज़ में 6 से 7 घंटे ऐड कीजिए। यानी टोटल आपकी पढ़ाई के लिए जो समय आप दोगे, 2 घंटे क्लासरूम का और 6 से 7 घंटे आपको सेल्फ स्टडी का, तो कुल मिलाकर के मैक्सिमम 10 घंटे 24 घंटे में से आप पढ़ाई को दोगे। 14 घंटे आपके पास हैं जिनमें खाओ, टीवी देखो, सो, जितना मन करे उतना सो, 14 घंटे तो आप नहीं सो सकते। घूमने फिरने का यहाँ पे लग्जरी है नहीं, तो कुल मिला करके आपको सिंसियर होकर के एग्ज़ाम फोकस्ड होना है। और आपकी सिंसियरिटी इसी से दिख जाती है कि कितना देर आप क्लासरूम में प्रेजेंट रहते हो, यहीं से आपकी सिंसियरिटी दिख जाती है। सो
अगर आप पहले परेशान थे, मैं भी आपके लिए परेशान था, और अगर आज आप खुद नहीं परेशान हो तो फिर मेरे परेशान होने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं रह जाएगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। कोई एक बैक्टीरियल स्ट्रेन है जिसका जीनोटाइप है डैम माइनस, तो इसका क्या इफेक्ट होगा, म्यूटेशन का क्या इफेक्ट होगा ऑन सेल? तो आपको याद होगा डैम के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये डीएनए मिथाइलेशन के लिए जरूरी है, और ये किसको रेगुलेट करता है? डीएनए रेप्लिकेशन रीइनिशिएशन को, ठीक है। अब अगर डैम माइनस हो गया तो इसका इफेक्ट क्या होगा? डैम माइनस तो रेप्लिकेशन रीइनिशिएशन रेगुलर इंटरवल्स पे होता रहेगा, रेगुलर इंटरवल्स पे होता रहेगा इवन बिफोर ऑनगोइंग रेप्लिकेशन इज ओवर। दूसरी चीज है कि डैम किसके फंक्शन को रेगुलेट करता है? सो डैम रेगुलेट्स फंक्शन ऑफ म्यूट एच, अभी बताया ना? यस सर। और अगर डीएनए मिथाइलेटेड नहीं होगा तो म्यूट एच को सिग्नल कहां से मिलेगा कि भाई कौन से डीएनए पे निक क्रिएट करना है? तो इसके कारण क्या होगा, 50% चांस होगा दैट अ निक इज क्रिएटेड ऑन पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड, है कि नहीं? और अगर गलत चांस होगा 50%, तो फिर म्यूटेशन का रेट क्या होगा? रेट ऑफ म्यूटेशन एनहांस हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये फंक्शन हुआ। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई स्टेटमेंट मिल रहा है तो आप कोरिलेट करके बता सकते हो कि भाई क्या क्या कंक्लूजन इससे हो सकते हैं। देखो एक तो ये वाला तो ऑब्वियस होता है, लेकिन अगर कहीं एग्जामिनर ने ये वाली बात कह दी तो क्या आप इसको सही मारोगे कि नहीं मारोगे? Until unless you are not able to correlate mute H function with the dam function, you won't be able to do that. ठीक है। दूसरा, अगर mute S mutation हो जाए, mute S minus bacterial cell है, तो इसमें क्या होगा? Scanning नहीं होगा सर। स्कैनिंग नहीं हो पाएगी तो फिर रिपेयर नहीं हो पाएगा, रिपेयर नहीं हो पाएगा, और रिपेयर नहीं हो पाएगा तो फिर रेट ऑफ म्यूटेशन इंक्रीज, यानी कि मिसमैच रिकॉग्निशन नहीं हो सकता। और अगर ये मिसमैच रिकॉग्निशन नहीं पॉसिबल होगा तो मिसमैच रिटेन रहेगा, और अगर मिसमैच रिटेन रहेगा तो फिर बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब बताओ जरा इसका क्या होगा, एमएसएच माइनस सेल सेम सेम यही होगा, बस डिफरेंस क्या है? ये यू कह रहे हो, ये एक डिप्लॉयड यूकैरियोटिक सेल है। इफेक्ट क्या होगा? सेम एज म्यूट एस माइनस बैक्टीरियल सेल, ठीक है। सो अब आप ये समझो कि इस तरीके के आपके सवाल बन सकते हैं सिर्फ मिसमैच रिपेयर सिस्टम से, और ध्यान देना म्यूटेशन के बगैर किसी प्रोसेस को आप समझ नहीं सकते। तो पूरी मूल बायो में म्यूटेशंस को जानना जरूरी है, और उन्हीं म्यूटेशंस का हम रिपेयर भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने आपको वन टाइप ऑफ रिपेयर सिस्टम पढ़ाया है। कल जब हम मिलेंगे, अगर कल की क्लास होती है तो कल अगर हम मिलेंगे तो कल मोस्ट प्रोबेबली इस पूरे वीक में ही लूंगा, तो कल जब हम मिलेंगे तो इस
अब मैं आगे बात करूंगा कि डीएनए डैमेज अगर हो जाता है तो डैमेज किन किन वजहों से होता है, उनको रिपेयर करने का क्या क्या तरीका होता है, उसको हम लोग कल कवर करेंगे। तो मोस्ट प्रॉबली कल तक हम लोग डीएनए डैमेज रिपेयर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। ये पूरी कहानी हो जाएगी रिपेयर सिस्टम की। और याद रखना, रिपेयर सिस्टम से आपके एग्जाम में 2 नंबर का एक सवाल और 4 नंबर का एक सवाल फिक्स रहेगा, आना ही आना है। और CSIR के एग्जाम ने अपना फोकस इन सारी टॉपिक्स पे शिफ्ट किया है। 2017-18 से CSIR ने अपने फोकस को शिफ्ट किया है उन सभी टॉपिक्स पे जिसको कि कोचिंग्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस पे दिया जाता है? रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन प्रोसेस पे दिया जाता है, फंडामेंटल प्रोसेस पे। उनके एक्सेप्शनल केसेस पे ध्यान नहीं दिया जाता है। तो एक्सेप्शनल केसेस में इन सारे रिपेयर सिस्टम, म्यूटेशंस, म्यूटेशंस के टाइप्स, इन सब से आपके सवाल बनेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। हाँ जी सर, अगर म्यूट एल माइनस बैक्टीरिया है तो उसका वही आएगा, मतलब वही। अगर म्यूट एल माइनस बैक्टीरिया होगा तो उसमें रेट ऑफ म्यूटेशन थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि म्यूट एच का फंक्शन थोड़ा डिले हो जाएगा, बस इतना ही होगा, क्योंकि वह म्यूट एच के लिए एक्टिवेटर है, ठीक है। लेकिन म्यूट एच अपने लिए भी कुछ एक्टिवेटर है ना, कुछ उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी होगी। सो ऑब्वियसली वाइल्ड टाइप से उसमें रेट ऑफ म्यूटेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई नहीं होंगे। जैसा कि म्यूट एस में जितना आपको मिलेगा, उससे कम ही रेट ऑफ म्यूटेशन आपको म्यूट एल का मिलेगा, ठीक है। यस सर, ठीक है। सो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, कल मिलते हैं।